सत श्री अकाल दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube सोलफुल तबला चैनल पर। मैं आपका पवित्र सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे तबले के एक ऐसे बोल की जो के तबले में बहुत जरूरी है और बहुत से कायदे ऐसे हैं जिसमें वो बोल बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सी लगियां ऐसी हैं जिसमें बोल बहुत बजाया जाता है और इस बोल का रियाज करने से हमारे हाथ में मिठास जो है बहुत आती है और हाथ में लचक आती है इसके साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ धात्रिक धेटत घेन धाति घेन धात्रिक धेटत जो बोल है त्रिकृ या फिर त्रिक। इस बोल का तबले में बहुत अहम रोल है। किसी भी बोल के साथ जब हम त्रिक बजाते हैं तो एक अलग सी जो मिठास है तबले में आ जाती है। मैं आपको कुछ वेरिएशंस इसकी बताऊंगा जो कि आपको तीन ताल ताल कहरवा दादरा और रूपक में बजाने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप तीन ताल में कहरवा में ताल दादरा और ताल रूपक में आप बहुत आसानी से आप बजा सकते हैं। तो छोटी छोटी इसकी जो एक एक लगी आपको मैं बताऊंगा, साथ में उसकी तिहाई बताऊंगा जो कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन ताल कहरवा और दादरा और रूपक में बजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये बोल कैसे बजेंगे। तीन ताल और कहरवा में बजाने के लिए धात्रिक धेटत घेन धाति घेन तीना के ना तात्रिक धेटत घेन धाति घेन धेना गिना बोल। तो ये बोल धात्रिक धेटत घेन धाति घेन तीना के ना तात्रिक धेटत घेन धाति घेन धेना गिना। तो ये बजेगा कैसे? त्रिक बोल है जो हम जैसे ते ट बजाते हैं, ते दोनों उंगलियों पे जो हम एक जैसा वजन डालते हैं ऐसा नहीं, इसको थोड़ा क्लैश करके हम बजाएंगे साथ साथ में। त्रे पहले ये फिर ये, त्रे उसके बाद एक के आएगी फिर डर, त्रे ते थर्ड फिंगर से ता ते 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 गेन ता ती गेन तीना ता ते 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 गेन ता ती गेन तीना गेन ता ते 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 गेन ता ती गेन तीना ता ते 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 गेन ता ती गेन तीना ता ते 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 धेट तो बजेगा धे धे ट 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
सकते हैं अंतर। तो जो मैंने इसकी तिहाई बजाई है बहुत छोटी सी तिहाई है, आप गे भी बजा सकते हैं जो वन का पॉज देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ताल, तीन ताल और कहरवा में, इसको दोनों में आप बजा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ताल दादरा में हम इसको कैसे बजा सकते हैं और इसके बोल क्या होंगे। बजाने के लिए इसको आप एक ताल में भी बजा सकते हैं और दादरा में भी बजा सकते हैं इसको। दादरा की जो तिहाई है वो है इसमें जो पाउज है वो आपने उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धा त्रिक थे टत कत धा कत धा वन टू धा त्रिक थे टत कत धा वन टू धा त्रिक थे टत कत धा कत धा। ताल दादरा में बज जाएगी। तो आइए अब देखते हैं ताल रूपक में ये कैसे बजेगी। Thank you.
रूपक में बजेगी। ताल रूपक में इसके बोल हो गए धा त्रिक ठेक और इसकी जो तिहाई है वो धा त्रेक धे टत कत धा त्रेक धे टत कत धा त्रेक धे टत कत पेन धा त्रेक धे टत कत धा धा त्रेक धे टत कत धा धा त्रेक धे टत कत पेन। इसमें कोई भी स्पेस कोई भी पॉज नहीं आएगा, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। बोल का जो रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप तबला बजाते हैं, क्लासिकल बजाते हैं, चाहे आप लाइट तबला बजाते हैं, दोनों में ही ये बोल बहुत अच्छी तरह यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी लगियां ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे कायदे ऐसे हैं, बहुत सारे टुकड़े ऐसे हैं जिसमें ये बोल आता ही आता है। तो इसके लिए इसका रियाज करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये बोल बताया और अलग अलग तालों में कैसे बजेगा वो भी साथ में बताया। तो आप इसे निकालिए, इसका रियाज कीजिए, इसे बजाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ। थैंक यू।